और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 11 स्पेशल में। और अब खबर गिरिडीह से है। पीरियड्स दुकानों में अनियमितता के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। झारखंड यूथ फोर्स के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने जमुआ अंचल कार्यालय का घेराव किया और इस दौरान राशन काला बाजारी को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। रिपोर्ट देखिए। जमुआ के हजारों ग्रामीणों को पिछले 2 महीनों से राशन नहीं मिला, साथ ही प्रखंड में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहे। प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध हजारों ग्रामीण प्रखंड कार्यालय तालेबंदी करने पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय में कई स्तरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। हम लोग ने 20 दिन पूर्व ही एसडीओ और उपायुक्त को अवगत कराया था कि जमुआ प्रखंड से एफसीआई गोदाम से 20,000 क्विंटल राशन की गबन हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 8,35,37,000 रुपया है। 20 दिन हो जाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके एवज में झारखंड यूथ फोर्स के और पूरे प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण लोग जो है प्रखंड मुख्यालय में तालाबंदी करने के लिए आए हैं। ग्रामीणों ने अनाज बाहर भेजने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि सारा अनाज राइस और फ्लोर मिलों को भेजा जा रहा है। ग्रामीण प्रखंड में 87,000 क्विंटल अनाज घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। जांच में ये पाया गया, प्रथम दृष्टया डीसी ने जो एक रिपोर्ट दिया 87,000 क्विंटल लगभग, उस अनाज का कोई लेखा जोखा नहीं, कोई उसका कहीं भी आता पता नहीं, यानी कि ये सरकार बिल्कुल देखें तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। अपने प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कई आरोप लगाए। उन्होंने संवेदकों की भूमिका के साथ ही दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। दारों की अनियमितता के खिलाफ आज ये ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला है। कई ऐसी मांगे हैं ग्रामीणों की, मुख्य मांग जो समझ में आ पा रही है ग्रामीणों की, उन्होंने कहा कि ये जो राशन है वो बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन उचित राशन उन ग्रामीणों को नहीं दिया जा रहा है जो असल में हकदार हैं उनके। और यही आज आक्रोश वहां के ग्रामीणों में देखने को मिला है। पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ अनियमितता का आरोप उन्होंने लगाया और जम्मू अंचल कार्यालय का घेराव भी किया है। ये घेराव किया गया और भारी संख्या में वहां पर ग्रामीण जो है वो मौजूद रहे। राशन की कालाबाजारी का ये आरोप लगा और राशन नहीं मिलने से वे भड़के हैं। राशन बाहर पहुंचाने का भी आरोप उन्होंने लगाया है और उचित राशन उन्हें नहीं देने का ये आरोप है। इस वजह से आज भारी संख्या में वहां पर ग्रामीण पहुंचते हैं और अंचल कार्यालय का घेराव करते हैं। कई मांगे हैं इनकी, अब इनकी मांगों पर अब क्या कुछ आश्वासन मिलता है प्रशासन की ओर से, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सबके बीच आप ये देखिए कि ये किसी एक व्यक्ति की मांग नहीं है, ये हजारों ग्रामीणों की मांग है कि आखिरकार पीडीएस दुकानदार मनमानी रवैया अपना रहे हैं और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और यही तस्वीरें आज हमें गिरिडीह में देखने को मिली, जहां ग्रामीणों ने जम्मू अंचल कार्यालय का घेराव किया, राशन की कालाबाजारी का उन्होंने आरोप लगाया है, साथ ही साथ प्रशासन के खिलाफ भी उन्होंने जमकर नारेबाजी की है। गिरिडीह की ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हजारों की संख्या में वहां पर ग्रामीण पहुंचते हैं अपनी कई मांगों को लेकर। कई दिनों से इनके अंदर ये उबाल देखने को मिल रहा था और आज इनका ये गुस्सा फूटा, जहां हजारों की संख्या में अंचल कार्यालय वहां पर घेराव करने पहुंचते हैं ये ग्रामीण और अपनी मांगों से प्रशासन को अवगत कराया जाता है कि क्या कुछ इनकी परेशानियां हैं। और लाठियां भी बांधी गई है, तस्वीरें देखिए, ग्रामीणों पर लाठियां भी बांधी गई है। उग्र तस्वीरें होती हुई नजर आ रही थी, जिस पर प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्के बल का प्रयोग भी किया और स्थिति को नियंत्रित किया। लेकिन इन सबके बीच मांगे जो है वो जायज है कि पीडीएस दुकानदार जो है वो मनमाना रवैया अपना रहे हैं
और अनियमितता भी जो है वो पीडीएस के दुकानदारों में देखने को मिल रही है। और आज यही आक्रोश इनके भीतर देखने को मिला, जहां भारी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं ग्रामीण और अंचल कार्यालय का घेराव करते हैं। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ गिरिडीह से संवाददाता श्रीकांत जुड़ रहे हैं। श्रीकांत का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, देखिए पीडीएस दुकानदारों पर अनियमितता का यह आरोप लग रहा है, एक नहीं दो नहीं हजारों की संख्या में ग्रामीण वहां पर पहुंचते हैं, क्या कुछ उनकी मांगे और क्या कुछ आश्वासन प्रशासन की ओर से? देखिए ये कोई नया मामला नहीं है जहां पर ग्रामीण जो है अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब सब्र का बांध टूट जाता है, जब उन्हें इंसाफ किसी भी ओर से नहीं मिलता हुआ नजर आता है, इसके बाद ग्रामीण जो है सड़क पर उतरने को विवश हो जाते हैं। दरअसल ये पूरा मामला अगर आप समझेंगे तो जन वितरण प्रणाली यानी कि जो गरीब तबका है उसके लिए जन वितरण प्रणाली कितना महत्वपूर्ण विषय है, ये आप उस गरीब के घर में जाकर उसके थाली में देखिए। और उसी गरीब की थाली में सरकार ने जो अनाज परोसने की तैयारी कर रखी है और उसके लिए जो मुकम्मल व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो है जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, वो डकैती, हम इसे डकैती ही कहेंगे, वो डकैती करते हैं और गरीबों का राशन साफ तौर पर हड़प लिया जाता है और डकार लिया जाता है। और अंततः परिणाम यह है कि जमुआ में लगभग 20,000 क्विंटल के आसपास में बैकलॉग है और पूरे जिले में अगर आप देखेंगे सुष्मिता तो लगभग 87,000 क्विंटल के आसपास में अनाज की कालाबाजारी की बात सामने आई थी कुछ दिन पहले। राज्य से कमेटी बनी, कमेटी आई, कमेटी ने जांच किया और अभी तक जांच बदस्तूर जो है जारी है। जबकि सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी है, कई ऐसे चौंकाने वाले तथ्य हैं और कई ऐसी गड़बड़ियां भी सामने आई हैं जिसमें साफ तौर पर दिखता है कि गिरिडीह जिले के जो भी गोदाम प्रबंधक हैं या जो भी डोर स्टेप डिलीवरी के संवेदक हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन का काम देखते हैं, सबकी मिली भगत से ये कालाबाजारी हुई है। और इसका हर्जाना चुका कौन रहा है, इसका असर पड़ किस पर रहा है, तो इसका असर पड़ रहा है गरीबों पर जिसके थाली से निवाले को छीन लिया जा रहा है। और बदनामी किसकी हो रही है, इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद बदनामी सरकार और प्रशासन की हो रही है। लगातार जिले के उपायुक्त, एक ईमानदार उपायुक्त, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि किस तरीके से गरीबों तक योजनाएं पहुंचे, लेकिन बीच के जो भी बिचौलिए हैं इनकी जो साठ गांठ है, बिचौलियों पर शिकंजा कैसे कसा जाएगा अगर ये अनियमितता का मामला आ रहा है सामने, आरोप है तो जांच कैसे होगी और दोषियों पर कार्रवाई कैसे होगी, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना श्रीकांत। देखिए आपने सबसे बड़ा सवाल ये भी किया है कि आखिर कार्रवाई कैसे होगी। देखिए निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं और इसी का नतीजा है कि 87,000 क्विंटल की जो हेराफेरी हुई है वो बातें सामने निकल कर आई है। खुद उपायुक्त जो है उन्होंने भी जांच के निर्देश दिए हैं तो निश्चित तौर पर। और ये जो पूरा मामला है, अधिकतर मामले लॉकडाउन से जुड़े हुए हैं, जब डबल अनाज यानी कि दो बार अनाज दिया जा रहा था उस टाइम में बड़े पैमाने पर अनाजों की कालाबाजारी हुई है, अनाजों को जो है बिचौलिए जो है वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर कागजों के सहारे, जाली कागजातों के सहारे उन्होंने हेर फेर किया है। एजीएम, गोदाम प्रबंधक सारे लोग इसमें मिले और निश्चित तौर से जांच कमेटी बनी हुई है। कुछ दिन पहले केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री जो है अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने भी मांग की है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो जिले के 20 सूत्री उपाध्यक्ष हैं संजय सिंह, उन्होंने भी मांग की है पत्र के माध्यम से कि सख्त कार्रवाई हो ताकि आने वाले समय में बिचौलिए इस तरीके की हरकत। अब सारा दारोमदार जो है सुष्मिता वो जांच कमेटी पर है, राज्य से जो सचिव हैं खुद उनके निगरानी में यह जांच हो रही है। तो अब देखना है कि क्या जांच रिपोर्ट में सामने निकल कर आता है और क्या जो दोषी व्यक्ति हैं जिनके ऊपर दोष आरोप यह साबित होता है उनके ऊपर क्या कोई कानूनी कार्रवाई होती है। क्योंकि जांच जो है वो जांच तो जारी है, जांच के लिए टीम भी जो है रांची से आई है, टीम ने गोदाम का निरीक्षण किया, जो डीएसओ कार्यालय है उनका निरीक्षण किया और इससे पहले जो पूर्व के डीएसओ रहे हैं गिरिडीह में उनसे भी बात करने की कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो सारा जांच का दायरा जो है अब बढ़ता जा रहा है
न्यूज 11 से खास बात। तो बिल्कुल श्रीकांत, देखिए न्यूज 11 भारत ने खबर दिखाई और इसके बाद प्रशासन की नींद खुली है ये कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद ही जांच में जो है वो तेजी आई है और कार्रवाई आगे बढ़ रही है। ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, ये खबर हमने दिखाई और उसके बाद जांच की कार्रवाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आज पीडीएस दुकानदारों की अनियमितता के आरोप के खिलाफ ये ग्रामीणों का आक्रोश भले ही देखने को मिला हो लेकिन ये आक्रोश पुराना है और आज उनका गुस्सा ये फूटा है, सब्र का बांध टूटा और उन्होंने कई मांगों को लेकर आज अंचल कार्यालय का घेराव किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।